भारत को आज अपनी पहली रैपिडएक्स ट्रेन मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे पहले हिस्से का उद्घाटन किया। इसके साथ ही रैपिडएक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैपिडएक्स को नमो भारत का नाम दिया गया। ट्रेन 21 अक्टूबर यानी कि शनिवार से आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि नमो भारत का किराया क्या रहने वाला है, इसका रूट क्या रहेगा, समय, स्पीड और वो सारे सवाल जो आम जन यानी कि आपके और हमारे मन में आए हुए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं रैपिडएक्स ट्रेन है क्या। देश में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस परियोजना लाई गई। एक नई रेल आधारित सेमी हाई स्पीड हाई फ्रिक्वेंसी वाली कम्यूटर ट्रांजिट प्रणाली है। ये दिल्ली एनसीआर के लोगों को क्षेत्र में निर्बाध रूप से यात्रा करने की सुविधा प्रदान करेगा। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में कुल 8 आरआरटीएस कॉरिडोर की पहचान की गई, जिनमें से 3 कॉरिडोर को चरण 1 में तैयार किया जाना है, जिसमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर कॉरिडोर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर शामिल है। अब आपको बताते हैं कि रैपिडएक्स कहां से कहां तक चलेगी, ये ट्रेन कौन सी जो दूरी है किस गति से पूरा करेगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर 82 किलोमीटर लंबा है। ये गाजियाबाद मुरादनगर और मोदीनगर से गुजरते हुए 1 घंटे से कम समय में दिल्ली को मेरठ से जोड़ेगा। हालांकि अभी पीएम मोदी ने इस फेज में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर तक के कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। बात करते हैं कहाँ कहाँ स्टेशन बनाए गए हैं। पहले चरण में कुल 5 स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो स्टेशन होंगे। कब और कहां से आप यात्रा कर सकते हैं, इसके लिए आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस कॉरिडोर का शुभारंभ किया है, शुरुआत की है, उसकी यात्रा आप 21 अक्टूबर से कर पाएंगे। हालांकि अभी ये ट्रेन साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक ही चलने वाली है। ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं होंगी, ये भी सवाल हमारे कई दर्शकों के मन में था। इसका जवाब आपको दें तो रैपिडएक्स मेट्रो की तरह पूरी तरह वातानुकूलित होगी। इसे सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए एर्गोनॉमिक रूप से डिजाइन की गई 2x2 ट्रांसवर्स सीट, खड़े होकर यात्रा करने के लिए पर्याप्त स्थान, लगेज रेक, सीसीटीवी कैमरे, लैपटॉप, मोबाइल चार्जिंग सुविधा, डायनेमिक रूट मैप जैसी कई सुविधाएं आपको मिलने वाली है। इसके अलावा ट्रेन की स्पीड की बात कर लें तो ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैक पर दौड़ती नजर आएगी। इसकी अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। अब सबसे जरूरी सवाल कि ट्रेन का किराया कितना होगा। आपको बता दें कि रैपिडएक्स ट्रेन में अभी 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का किराया होगा। रैपिडएक्स के स्टैंडर्ड क्लास में किराया 20 रुपए से शुरू होगा, वहीं प्रीमियम क्लास में मिनिमम किराया 40 रुपए होगा। स्टैंडर्ड क्लास में साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक का किराया 50 रुपए, जबकि प्रीमियम क्लास में इसी दूरी तक का साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक किराया 100 रुपए देना पड़ेगा। एनसीआरटीसी ने कहा कि 90 सेमी से कम हाइट वाले बच्चे मुफ्त में यात्रा कर पाएंगे। यात्री इसमें अपने साथ 25 किलो तक का सामान ले जा सकेंगे। अब बात करते हैं समय पर कि इस यात्रा में कितना समय लगेगा। अभी 17 किलोमीटर के ट्रैक पर रैपिडएक्स चलेगी। शुरुआती स्टेशन साहिबाबाद से अंतिम स्टेशन दुहाई तक यात्रा में 12 मिनट का समय लगने वाला है। रैपिडएक्स में कितने डिब्बे होंगे तो बता दें कि इस ट्रेन में 6 डिब्बे हैं, जिनमें लगभग 1700 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। इसमें दोनों शामिल हैं, बैठकर एवं खड़े होने वाले यात्रियों की संख्या। एक और महत्वपूर्ण सवाल कि ट्रेन कितनी देरी में मिलेंगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी मेट्रो जैसी होगी, तो बता दें कि अभी हर ट्रेन 15 मिनट में उपलब्ध होगी। हालांकि सिस्टम आवश्यकता के आधार पर इस समय को और कम किया जाएगा, यानी कि 5 मिनट में भी आपको ट्रेन मिल सकती है। समय क्या रहने वाला है कि आप किस समय से किस समय तक यात्रा कर सकते हैं, वो सुबह और शाम यानी कि रात का समय आपको बता दें। रैपिडएक्स ट्रेन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक चलेगी। दोनों दिशाओं में पहली ट्रेन द्वारा परिचालन सुबह 6 बजे शुरू होगा और दोनों ही दिशाओं में स्टेशनों से अंतिम ट्रेन रात 11 बजे प्रस्थान करेगी।
दिल्ली वासियों के मन में एक और सवाल है कि एक जो कॉरिडोर जो सबसे ज्यादा प्रचलित है दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, ये कब से शुरू होगा। तो आपको बता दें इसकी संभावित जो तिथि है या संभावित साल है 2025 तक दिल्ली से मेरठ के बीच संचालित होने वाली इस रैपिडेक्स ट्रेन की संभावना जताई जा रही है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इसकी लागत कितनी है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया जा रहा है। आपको एक सुविधाजनक प्रीमियम सफर का एहसास मिलेगा। ट्रेन का टिकट कैसे मिलेगा आपको ये भी बता दें। रैपिडेक्स ट्रेनों के लिए टिकट का सिस्टम मेट्रो की तरह होगा, यानी कि रैपिडेक्स स्टेशनों पर टिकट काउंटर टिकट वेंडिंग मशीनों से टिकट लिया जा सकेगा। इसके अलावा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC कार्ड जारी किए जाएंगे। रैपिडेक्स कनेक्ट के माध्यम से डिजिटल QR कोड आधारित टिकट भी जनरेट किया जा सकेगा। ये वो सारे सवाल थे जो अमूमन आपके मन में चल रहे होंगे, और अब आप अपने सफर को कम समय वाला कम पैसों वाला आसानी से बना पाएंगे।